वेल, बॉलीवुड के सुपरस्टार्स, मेगा स्टार्स रणवीर सिंह, शाहरुख खान, अजय देवगन और द लेजेंडरी अमिताभ बच्चन अब फंस चुके हैं एक लीगल केस में। इनके खिलाफ हो चुका है कोर्ट में एक केस दाखिल। आखिर क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ चीज़ें चल रही है उनके ज़िंदगी में इस केस को लेकर, चलिए बताते हैं। आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट संदोष वेदांगी। करने की पहली बार नहीं है जब किसी बड़े बॉलीवुड के पॉपुलर सुपरस्टार के खिलाफ जो है लीगल केस दर्ज किया गया हो, लेकिन ये वाला केस काफ़ी अलग है। यहाँ पे गुटखा को प्रमोट करने के चलते इनके अगेंस्ट केस दर्ज किया गया है। वेल, इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है कि अपनी पॉपुलैरिटी, अपने नेम और फेम का इस्तेमाल करते हुए कहीं ना कहीं ये गुटखे जैसे एक बहुत ही बुरी आदत को, गुटखा खाने की आदत को, टबैको खाने की आदत को प्रमोट कर रहे हैं। आखिर क्या कुछ हुआ है, चलिए आपको बताते हैं। बेसिकली आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में एक केस जो है इन चारों के खिलाफ रजिस्टर हो चुका है फॉर प्रमोटिंग गुटखा, और इस केस को एक एक्टिविस्ट तमन्ना हाशिम ने जो है फाइल किया है। और जब उन्होंने इस केस को दर्ज किया तो कोर्ट ने इस केस को जो है एक्सेप्ट कर लिया है, और इस केस के लिए वो सुनवाई अब 27 मई को यानी अगले कुछ ही दिनों में करने वाले हैं। इनफैक्ट बता दे, ये पहली बार नहीं है जब अमिताभ बच्चन जी ऐसे किसी मुश्किल में पड़े हैं। अगर बात करें पिछले साल अक्टूबर की, तब उन्होंने एक च्यूइंग टोबैको ब्रांड के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है टर्मिनेट किया था। इसके लिए उनके टीम ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी उनके सोशल मीडिया पे दी थी कि मिस्टर बच्चन को नहीं पता था कि जिस ब्रांड के साथ वो एसोसिएटेड है वो सरोगेट एडवर्टाइजिंग में आता है, और जैसे हमें ये पता चला हमने उस कॉन्ट्रैक्ट को उस ब्रांड के साथ ख़त्म कर दिया है और उन्हें भी टर्मिनेशन के बारे में बता दिया, और जो भी पैसे प्रमोशन के लिए मिले हैं उन सारे पैसों को जो है रिटर्न कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि रिसेंटली कुछ हफ्तों पहले इवन अक्षय कुमार इस गुटखा प्रमोटिंग, तंबाकू प्रमोशन के चलते वो भी इस तरीके से फैंस के नज़रों में, नेटिजन्स के नज़रों में आ गए कि लोगों ने उनके ऊपर भर भर के हेट दिया। जिसके बाद अब अक्षय कुमार ने कुछ ही दिनों पहले एक अपॉलोजी भी जो है एक्सेप्ट अपॉलोजी दी है और कहा कि आई एम सॉरी, मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैंने जो भी चीज़ें की वो उससे आप अफेक्ट हुए हो। वेल, मैं कभी इंडोर्स नहीं करता टोबैको को, लेकिन आपने विमल इलायची के, मेरी जो एसोसिएशन थे उसके ऊपर जिस तरीके से सवाल उठाए, मैंने अब सोच लिया है कि मैंने जो भी मुझे उसकी फ़ीस मिली है वो फ़ीस मैं किसी अच्छे कॉज के लिए यूज़ करूँगा, और ये ब्रांड भले ही मेरे एड्स को, उनकी जो एयर टाइम है, जिस तरीके से हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसके चलते वो जब तक भी यूज़ करना चाहे वो कर सकते हैं, जब तक वो एक जो टाइम ड्यूरेशन होता है, एयर टाइम होता है कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है, उस हिसाब से जब तक होगा तब तक ठीक है। और इसके आगे मैं कभी भी कोई भी चॉइस करने से पहले सोच समझ के चॉइस किया करूँगा और गलत चॉइस नहीं करूँगा, इस तरीके से जो है अक्षय कुमार ने अपॉलोजी भी दी है। वेल, अक्षय कुमार ने माफ़ी तो मांग ली है, लेकिन अगर बात करें शाहरुख खान की, अजय देवगन की, जो काफ़ी लंबे समय से टोबैको ब्रांड्स को प्रमोट करते हुए नज़र आ रहे हैं, उसी के साथ साथ अमिताभ बच्चन और रणवीर सिंह भी तकलीफ़ में आ चुके हैं, लेकिन अभी तक इन चारों में से किसी का भी कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, ना पब्लिक अपॉलोजी आई है, ना इस केस के बारे में उनकी कोई भी जो है स्टेटमेंट सामने आई है। इसके ऊपर आपको क्या कुछ कहना, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। आई सी यू गाइस सून।